तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने जो हमारा पहाड़ में घर है ना, उसके दर्शन कराता हूँ। मतलब वैसे तो आपने व्लॉग में डेली देखा होगा, थोड़ी सी वाइड एंगल दिखाता हूँ, मतलब दूर से देखो कैसा लगता है। और इतने दिनों के बाद जब बारिश के बाद धूप आई है ना, उसके बाद देखो कितना मस्त चमक रहा है ना हमारा घर। और ये रास्ता है, ये नल के वहाँ से ऊपर वाला गांव को गया और ये हमारी तरफ को गया। और ये जो छोटा सा इतना भाग बचा है ना सीमेंट वाला, ये मैंने बनाया था ये 2010 या 11 में। और देखो बंधारी अभी भी लगी हुई है, भले ही घाम आ गया हो, लेकिन अभी कुछ देर पहले क्या थी, बारिश थी। और ये हमारी गाय बच्चियाँ हैं। और ये जो ऐपण दिख रहे ना आपको, ये ऐपण पिछले लॉकडाउन में मैं जब घर आया था तब मैं निकाल के गया था। तब दिवाली से पहले ही आ गया था मैं दिल्ली को, तो मम्मी ने बोला कि ऐपण ऐपण गाड़ के जाए, मेरे कौन गाड़ेगा करके। और ये हमारे घर के जो राइट हैंड साइड की तरफ जो खेत है ना, ये चाची लोग और अम्मा लोग गुड़ाई कर रहे हैं मंडुए की। तो बढ़िया सा मौसम हो रखा है, मतलब वो वाली फीलिंग आ रही है। वो बोलते हैं ना पहाड़ों में, जब दियोगो घाम अगो श्याव कुकुर ब्याह होगो वाला, मतलब जब बारिश और धूप एक साथ आ जाती है, तो ये वाली जो हमारे वहाँ ये अणकात होते हैं, ये चालू हो जाते हैं। मतलब अब तो बहुत कम हो गए, पहले बोले जाते थे बहुत ज़्यादा ये। तो देखो कितने बढ़िया गोड़ रहे हैं ये, बारिश में लेडीज़ बेचारी भी परेशान हो गई थी गोड़ गोड़ के। तो आज फाइनली धूप आई है। और ये रेला साइड को देखो, और हरियाली देखो कितनी ज़बरदस्त हरियाली छाई हुई है। और मम्मी आमा लोगों के साथ बात कर रही है वहाँ से। और ये देखो हॉल, क्या बढ़िया हॉल, नहीं मतलब वो जो बारिश के बाद जो पहाड़ों में से धुआं उठता है ना ऊपर को, ये देखिए भैया क्या नज़ारा है यार। तो ये है भैया पहाड़ में हमारा घर, ये है आगे हमारा बरामदा हो गया, पीछे हमारा किचन, और उधर साइड